नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो फर्स्ट में आज फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग में जब भी काम में करता हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ों को जो नोटिस करता हूँ, जो चीज़ों को मैं हमेशा फॉलोअप करता हूँ, जो रूल्स को मैं फॉलोअप करके चलता हूँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि हमेशा मुझे कमेंट्स आया है कि सर आप ट्रेड तो लेते हैं तो एग्जिट टाइम में क्या करते हैं, अगर आपका टारगेट हो जाए तो आप क्या करते हैं। तो चलो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी बन चुका है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ से ऊपर है। ओवरऑल कंपनी के अगर मैं एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के हिसाब से मैं चर्चा करूँ तो इंडिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 3.5 लाख करोड़, बाकी कंपनी तो अभी 1 लाख करोड़ पहुंच भी नहीं पाए। जैसे भारत डायनामिक लिमिटेड 61,000 करोड़, BEML जो 21,000 करोड़ है, एमटर जो है एमटर टेक्नोलॉजीज 6,000 करोड़ का, पॉरस डिफेंस 5,000 करोड़ का, आइडिया फोर्ज जो है वो 3,500 का। तो इस तरीके से देखा जाए तो सारे कंपनीज को अगर जोड़ भी दिया जाए तो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे मार्केट कैप के हिसाब से। तो सोचिए कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। ऑब्वियसली अच्छा खासा काम कर रहा है क्योंकि इसका ROC 38% है, 1 रुपया भी कंपनी कर्जा नहीं लिया। तो देखिए गवर्नमेंट कंपनी 1 रुपया कर्जा नहीं ले रहा है, तो गवर्नमेंट कंपनी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी की हिस्सेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, गवर्नमेंट के पास है। बहुत ज़्यादा कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज है जिसके ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा आपको देखने को मिल जाते हैं, मगर इस कंपनी ने 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया। चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कंपनी के जो बोरिंग्स पहले 1,000 करोड़ 4,000 करोड़ तक चला गया था, वो बोरिंग्स आज पूरा का पूरा जीरो हो चुके हैं, पूरा का पूरा शून्य हो चुके हैं। तो सोचिए किस लेवल तक कंपनी ग्रोथ किया, किस हद तक कंपनी काम किया। रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए 3,000 से लेकर कंपनी 28,000 तक खुद के रिजर्व को ग्रोथ किया। तो एक हाई लेवल में ग्रोथ यहाँ पे कंपनी किया, जिस ग्रोथ के कारण कंपनी में एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जो CWIP है उसके ऊपर जो पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, इस बार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम हो चुके हैं। अभी यही डेटा को मैं एक बार आपको कैपेक्स के वाइज दिखा दूँ तो इस बार कंपनी का जो कैपेक्स है वो कितना है, 9,000 करोड़। आपको लग रहा होगा कि 9,000 करोड़ छोटा सा कैंडल हो, ऐसे क्या बनेगा। पिछले साल में कितना था, सिर्फ 1,700 करोड़, उससे पहले कितना था 1,400 करोड़, उससे पहले कितना था 1,200 करोड़। मतलब कंपनी आज तक की सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किया। ये इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहते हैं कि आज सिर्फ डिफेंस सेक्टर को इंडिया में स्ट्रांग नहीं करना है, डिफेंस सेक्टर के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या बनाता है, हेलीकॉप्टर बनाते हैं, फाइटर जेट बनाते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, तो उसका सर्विसेज अभी बाहर की कंट्रीज़ को भी देने वाले हैं, तो बाहर की कंट्रीज़ को भी बेच रहा है, उसको सर्विस और भी बढ़ाने वाले हैं। और ये सारे कारण के वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे एक ट्रेड मिला, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा इस ट्रेड मत लीजिएगा क्योंकि एक रिस्की ट्रेड है, तो प्लीज़ मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड मत लीजिए। मेरा खुद का ट्रेड है, मैं थोड़ा सा रिक्स हमेशा कुछ फंड को मैनेज करके करता हूँ, तो मतलब फ़ंड को कितना मुझे इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, फ़ंड को मैनेज करके काम करना पड़ता है। तो आप आपके सेबी रिश्ते एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करिए। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बना, एक कप बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया। उसके बाद देखिए कंपनी रिटेस्ट कर रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि इतने छोटा सा एंटी लेवल में कितना ही टारगेट मिलेगा। ओवरऑल जो टारगेट निकल कर रहा है 28%, देखिए 28% कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। और मुझे जो लग रहा है कि कंपनी इसी तरीके से पहले भी काम किया, अगर इस काम को ध्यान से देखेंगे तो कंपनी जब यहाँ से ब्रेकआउट किया, एक जर्नी दिखाया, उसके बाद कंपनी देखिए फिर से यहाँ पे होल्ड कर रहा है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर से एक जर्नी हो सकता है। तो मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसका कोई 100% गारंटी नहीं होता है कि मार्केट से प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा करके। तो आपको अगर एक्सपीरियंस है, आपको अगर कंपनी के ऊपर नॉलेज है, भरोसा है, तो उस कंपनी आपको जरूर प्रॉफिट बना के देंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उसको भी सीखने को मौका मिले। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है HDFC बैंक।
तो हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि आप जब कोई कंपनी के ऊपर एंट्री लेते हैं, जब मान के चलिए आपका मेरा एंट्री लेवल किसी जगह पे 200 पे है और मेरा टारगेट मान के चलिए 300 के आसपास है, तो 300 मान के चलिए अभी करंट प्राइस चल रहा है 305 रुपीज़, तो क्या मैं एग्जिट करूँगा कि मैं होल्ड करूँगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने वो काम ट्रेडिंग पर्पस में लिया कि आपने वो होल्डिंग पर्पस में लिया, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए काम किया कि आपने स्विंग बेसिस में ट्रेड लिया। अगर आपका काम स्विंग बेसिस में है तो आपको जहाँ पे टारगेट मिला वहाँ पे आंख बंद करके एग्जिट करना है। आंख बंद करके मतलब वहाँ पे कोई भी आपको सोचना नहीं है कि मैं रखूँ क्या नहीं रखूँ, आपको एग्जिट करना है। अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे तो आप ट्रेडिंग पर्पस में नहीं लिया, आपने होल्डिंग पर्पस में लिया। आपको मन कर रहा है कि 300 में नहीं वो 600 जाएगा तब मैं एग्जिट करूंगा, तो वो तो ट्रेडिंग नहीं हो गया ना, वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आपको हमेशा इस रूल्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि जब भी देखिए HDFC बैंक के ऊपर ट्रेड बना, एक कफ विद रेपिटेंस बना, मैंने आपको ये भी बताया कि मेरा एक्चुअली एंट्री लेवल तो बहुत नीचे पे है, 1400 रुपीज़ के आसपास, कुछ इस तरीके से लेवल में 1400 रुपीज़ के आसपास मुझे एंट्री मिला, तब से मैं होल्ड किया। और जब मुझे कफ विद रेपिटेंस मिल चुके हैं, मैं उस होल्डिंग को कंटिन्यू किया। मेरा टारगेट था कि ये जो गैप है, ये जो गैप कंपनी ने किए थे, इस गैप को फिलअप करेगा तो मैं एग्जिट करूंगा। अगर जब भी आप एक पैटर्न्स मुझे देखने को मिल गया तो मैं पैटर्न के हाई लेवल तक इंतजार किया। और फाइनली देखिए, वही लेवल से कंपनी रिकवरी कर रहा है जो लेवल कंपनी के स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, इसको फेस किया, वीक क्रैश हो गया। ये रेजिस्टेंस आज का नहीं है, प्रीवियस डेटा को चेकआउट किया जाए तो कंपनी के रेजिस्टेंस इसी लेवल में बहुत बार बनने के लिए गया था। तो कहने का मतलब है, आपको जब भी कोई काम कर रहा है तो उस काम को आप एंट्री तो टाइम पे ले रहा है, आपको एग्जिट भी टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा। तो जैसे आप किसी भी कंपनीज के ऊपर मान के चलिए आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंट्राडे में मान के चलिए आपने कोई ऑप्शन ट्रेडिंग के बाय किया, तो आप मैं देखिए मैं तो काम करता नहीं हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ जब कोई भी न्यूज़ आते हैं, कोई भी बजट और कोई भी इलेक्शन का रिजल्ट, इस तरीके से कुछ इवेंट का डे होता है तब मैं ऑप्शन में काम करता हूँ, वो भी हमेशा नहीं, कभी कभार, कभी कभार होता है। तो जैसे मैंने रिजल्ट के दिन काम किया था, उसके बाद अभी तक कोई नहीं काम नहीं किया, और बजट के दिन जरूर देखूंगा। तो कोई बात नहीं, वो अलग बात है, वो स्ट्रैटेजीज को मैं यहाँ पे आपके साथ रिवील नहीं करना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो देखिए, अपने मान के चलिए ऑप्शन के ऊपर काम किया और ऑप्शन के आपने टारगेट रखा, आपने 100 में बाई किया कोई भी ऑप्शन को, आपका टारगेट है कि 150 में बेचूंगा, तो मान के चलिए अभी चल रहा है 160, तो क्या आपका डिसीजन क्या है कि आप 200 में सेल करेंगे? हाँ, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आगे ले जा सकते हैं, वो स्ट्रैटेजीज कुल अलग है, मगर इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रैटेजीज को हमेशा आप इस तरीके से भी फॉलो अप कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे आपका टारगेट था और आपने क्या किया, स्टॉप लॉस को ऊपर कर दिया, तो अगर यहाँ से आएगा तो स्टॉप लॉस एग्जिट हो जाएगा। मगर मैं ऐसे काम कभी नहीं करता हूँ, मेरा अगर टारगेट हुआ तो टारगेट, नहीं तो मैं इंतजार करूंगा, और टारगेट होने के बाद में मतलब उस जगह पे कुछ ना सोच कर ही मैं एग्जिट कर लेता हूँ कि उसके ऊपर कितना जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वो अलग बात है, दूसरा कोई स्ट्रैटेजी बने तब मैं उसके ऊपर काम करूंगा। देखिए, इतने सारे चीज़ मैं इसीलिए आपके साथ शेयर किया क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए इसके ऊपर कि एग्जिट के टाइम में क्या करूं, अगर उससे भी ब्रेकआउट करके ऊपर गया, जैसे पॉलीकैब के ऊपर हुआ, पॉलीकैब के टारगेट होने के बाद भी 30% ऊपर गया, तो इसी के ऊपर बेस करके ही मुझे इतना सारे कमेंट्स आया था कि सर और भी आप होल्ड करते तो आपको और भी 30% मिलता। देखिए, कितना मिलता वो मुझे जरूरी नहीं है, कितना मुझे मिलना चाहिए था, मतलब कितना मेरे स्ट्रैटेजीज ने मुझे प्रॉफिट देने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो मुझे इंपॉर्टेंस लगता है। देखिए, जहाँ पे मेरा एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा, चाहे कुछ भी हो। देखिए, यहाँ पे अगर मैंने सोच कर रखा कि चलो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली अगर इस जगह पे एंट्री होता तो ऑलमोस्ट मेरा अभी प्रॉफिट से 3% रह जाता, नहीं तो मुझे कितना प्रॉफिट मिला था, करीबन 12 से 12% के ऊपर ऊपर। तो 12% से घटकर 3% प्रॉफिट लेने से कुछ फायदा होगा क्या? तो बाकी देखिए, आप समझदार है, समझदारी से काम कर लीजिए, क्योंकि HDFC बैंक के ऊपर मैं हमेशा बुलिश हूँ। हाँ, मेरा होल्डिंग पर्पस में है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बेसिकली टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो गुड पॉइंट्स मुझे लगा वो है कंपनी के खासियत रिजल्ट। तो रिजल्ट में ऑब्वियसली पॉजिटिव ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 148 करोड़ से लेकर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होकर हो चुके 157 करोड़ के आसपास। तो बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिट देखने को मिला जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। और मुझे लगता है जो इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर जो है, जो प्रोमोटर यहाँ पे देखने को मिला, FSDS पब्लिक, हर किसी के पास आपको इस तरीके से डेटा देखने को मिला, जो ओवरऑल कंपनी के जो पब्लिक के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी 40% से लेकर 42% तक इसका टोटल शेयर होल्डिंग
पब्लिक के पास है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है, इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। तो आप इस कंपनी को चार्ट को देखेंगे तो आपको वही लगेगा कि लगातार जो गिरते चले जा रहे हैं, तो क्या पब्लिक बेच रहा है? बिल्कुल नहीं, इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है। इंस्टीट्यूशन माल बेचने के बाद देखिए एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी एक जगह पर बहुत दिनों से बार बार होल्ड कर रहा है। और इस डेटा को अगर मैं ड्रैग करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कंपनी बार बार फेस किया है, इसी रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करके ऊपर गए तो नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई स्ट्रैटेजीज चाहिए, मुझे कोई पैटर्न्स चाहिए, तभी मैं काम करूँगा। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बने जो सिर्फ 10% के आसपास है, मुझे बाइंग का रेंज 20% के ऊपर चाहिए था, तो यहाँ पे बना नहीं, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो हमें सबको रूल्स को फॉलो करके काम करना होगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम कर लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी। इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, और वो स्प्लिट कितना है, 18 जुलाई में आपको मिलेगा हर एक के बदले 2 शेयर, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो उसको बनाने जा रहा है 5 रुपया। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो सारे अपडेट्स मैं एज ए इन्फॉर्मेशन के तरफ से, आप मतलब इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपके साथ शेयर किया। तो एक बार आप डीपली रिसर्च करके काम करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।